मेरे को बिना नेटफ्लिक्स देखे नींद नहीं आती। नेटफ्लिक्स भी देखना तुझे अभी? शोर शराबा नहीं चाहिए मुझे गाड़ी। हां शोर शराबा कर दूंगा। वेरी अनकंफर्टेबल। मैंने सोचा था गाड़ी में लेटते सार बेहोशी आ जाएगी मुझे, बट नहीं। सोना कैसे इसमें? मैं तो कंफर्टेबल हूँ पीछे। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो देख के आ रहा है मजा तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अब, क्योंकि इस चैनल को हमने लेके जाना है 1 मिलियन तक। ऐसा ऐसा कंटेंट आपके लिए आता ही रहेगा, तो लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए। हेलो ओएमजी फैमिली, स्वागत है आपका ओएमजी व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है ना वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा अनोखा, अद्भुत, अविश्वसनीय। लोग सोचेंगे फूडीवी की वीडियो बना रहे हैं, पर नहीं, आज हम करने जा रहे हैं चैलेंज वीडियो। और चैलेंज हमारा क्या है? चैलेंज हमारा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। हम रहने वाले हैं गाड़ी में 24 घंटे के लिए। भाई साहब बहुत ही गजब होने वाला है। ऐसे बताते हैं लिविंग इन कार, लिविंग इन थार फॉर 24 आवर्स। यार जिस गाड़ी में 4 बंदे बैठ नहीं पाते कंफर्टेबली, उसमें रहना तो बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 4 बंदे, चौथा बंदा अपना ये आंचल शर्मा बंदी है। वो बंदी, बंदा बंदी, एक ही बात होती है, एक ही बात है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हम तो। गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले अपनी सीटें मलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है कि किसको कौन सी सीट मिल रही है। मैंने ले लिया ड्राइवर सीट, अब पीछे जो बैठ रहा है सबसे ज्यादा दिक्कत उसको होने वाली है। बंदा ना चीटिंग करने में शेर है, कमेंट कर दो ओंकार इज अ चीटर, ओंकार इज अ चीटर। देखो कमेंट कर दो मुक्ति इज अ रोंदर क्राइंग बेबी, कमेंट कर दो। सुनो मेरी बात, इस गेम में ना पेशेंस चाहिए। सीट जो मर्जी हो आपके मन में, अगर शांति है तो आप कहीं भी बैठ सकते हो। तो फिर भैया को पीछे बैठाते हैं, तुम आप पीछे बैठो, मैं आगे बैठ रही हूँ। मतलब मेरा साइज भी तो बड़ा है ना, तुम भी तो थोड़े अच्छे हो सकते हो ना दिल के। यार पहले काम करते हैं, चैलेंज स्टार्ट करने से पहले ना अपनी अपनी चीजें उठा लेते हैं जो हमें गाड़ी के लिए चाहिए होंगी। तो एक काम करते हैं, चैलेंज शुरू करने से पहले हर किसी को मिल रहे हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट में उसे जो भी सामान इकट्ठा करना है वो कर ले, और उसके बाद गाड़ी में 24 घंटे। इस चैलेंज में जो चीज मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती वो है मेरी डाइट। तो मैं अपना घर से खाना लेके आई हूँ, तो फटाफट अपना खाना रखते हैं गाड़ी के अंदर। देखो भाई मेरे को तो दिन में नींद आती है, तो मैं सबसे पहले अपना सोने का सामान ले लूँ। तो मैंने अपने लिए आई मास्क ले लिया, चद्दर ओढ़ने के लिए, और एक पिल्लो ले लेते फटाफट से। अब मैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गई, मेरी पानी की बॉटल, इसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। अब चलो। तो जी मेरे और आदित्य के मतलब की चीज़ कोई भी घर पर नहीं मिली है, तो आ चुके हैं हम किराने की दुकान पर, और यहाँ पर करते हैं खोज कुछ बढ़िया बढ़िया से स्नैक्स की। तुझे क्या चाहिए? मैं तो भाई साहब डाइट पर हूँ, मैं लूँगा प्रोटीन। तो भाई साहब फाइनली दबा दबा के भर भर के राशन ले लिया, बट मुझे अभी भी थोड़ी सी शंका है कि 24 घंटे चलेगा कि नहीं। देखो, चलेगा ये सामान जो है ना ये पूरा नहीं है, अभी मुझे केमिस्ट की दुकान पे जाना है, वहाँ से भी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज चाहिए। क्या चाहिए भाई तुम्हें? मुझे वहाँ से खरीदनी है रोको, सारी आउटगोइंग पे फुल स्टॉप लग जाएगा मेरा। ये नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ एक आउटगोइंग पे फुल स्टॉप लगाती है, सुसु फिर भी आएगा तुम्हें। लिक्विड इनटेक कम करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक चीज है जो हमें ये चैलेंज हरा सकती है। सो गाइस फाइनली स्टार्ट हो चुका है हमारा लिविंग इन कार फॉर 24 आवर्स। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आदित्य ने ये कानों पे क्या लगाया हुआ और मैंने सूट क्यों पहना हुआ। सो गाइस दशहरे वाले दिन हमारे सेलिब्रेट करते हैं, जौ टांगते हैं बहन भाई को, जैसे राखी सेलिब्रेट करते हैं। तो आदित्य का मतलब एक तरीके से जो सुबह उठ के करते हैं वो आंचल कर चुकी है। यार ये बेचारे सुंगड़ गए यार, थोड़े छोटे है ना, जब आंचल ने लगाए थे तो फ्रेश थे ना। हाँ ताजे ताजे निकाल के लगाते वैसे तो, बट हाँ। चलो कोई बात नहीं। और आज कुछ मीठे में तुझ लेके आई है खाने को? हाँ केक लिया है। अच्छा केक, वाह खा सकते हैं ना आंचल। बाद में बोली जीजी मैंने अपने लिए खरीदा, अब नहीं खा सकते। और मुक्ति ने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि हमारे इस दिन जौ टांगने के बाद ही खाते हैं कुछ। चल मेरे पैरों पर हाथ लगा, जय माता दी, ला शगन ला मेरा। अच्छा शगन बेचारे का हाथ ऐसे से पीछे चला गया। शगन मैं ऑफ स्क्रीन दूंगा। क्यों नहीं ऑन स्क्रीन शगन ही देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, मतलब मैं नहीं अच्छा मानता। भगवान तुझे बुद्धि, सद्बुद्धि, अकल, और क्या देता भगवान? बीवी सब कुछ भगवान ही देता है। भगवान तुझे सब कुछ दे। आंचल को सब कुछ उठाना पड़ रहा है क्योंकि मैं मुड़ूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुड़ने में। मैं मुड़ के दिखाता हूँ आपको। ओह शिट, नहीं आप बैठ जाओ कोई बात नहीं। मेरे लंच दे दे यार प्लीज। ये
अपने आप पकड़, मैं भी पकड़ू। कुत्ते लोग कंपटीशन है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव। सॉरी भाई साहब, छोड़ दिया आंचल का पैर मुक्ति के भाई। नैप लेने के बाद अभी याद आया कि आज फूडी वी की वीडियो अपलोड होनी है, और थोड़ी सी दिक्कत हो गई है कि जो एडिटर का लैपटॉप है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा अभी, एडिटर को पिक करके उसका लैपटॉप ठीक करवाना पड़ेगा और तुझे पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जगह नहीं है भाई, पीछे जगह नहीं है, तो एक बंदा निकलेगा छत में बैठो। वो देखो एडिटर आ गया, मुक्ति जाना पड़ेगा। और अपना दिक्कत की बात ये है कि आज है दशहरे का दिन और दुकानें वगैरह सारी बंद होगी, शायद ही कोई खुली हुए तो वो ढूंढनी पड़ेगी ताकि लैपटॉप ठीक हो पाए और फूडी वी की वीडियो अपलोड हो पाए। मतलब कि अगर लैपटॉप ठीक ना हो तो फूडी वी की वीडियो नहीं जाएगी। बिटर ट्रुथ, मतलब कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, बट ऐसा ही होएगा। बिटर ट्रुथ। यार ये क्या बीमार लड़की बिठा दी, मेरी तिरती मेरी तिरती। ये सर को ये नहीं पता था ना आप भी ऐसे फंस जाओगे बीच में। पीछे बैठ के गर्मी लगनी शुरू हो गई है मेरे को। आगे जब बैटरी भी ना एसी बल्कि बंद करी जा रही थी, आपको पता लग रहा है कितनी गर्मी है। इस इंसान को पहले ये ड्राइविंग सीट से उठाओ। अच्छा। ये जैसे राजकुमार बन के बैठे हुए हैं ना ड्राइविंग सीट पे, उन कार को उठाओ, इसको बिठाओ पीछे, फिर आप ड्राइव करना, मैं इधर बैठूंगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे फंस मैं ही रहूं, पीछे मैं बैठूंगा ही। यार मेरे को दवाई खिला दो पहले, मेरा कंधा दुख रहा है। प्लीज आप दोनों मेरे बड़े भाई बहन हो, तेरी करोगे छोटी सी बहन के लिए तो हॉस्पिटल एडमिट कर दो। यार दीदी फंस गई यहाँ पे। पानी एकमात्र सहारा। तो लैपटॉप तो बिल्कुल ही जवाब दे गया हुआ है। अब हम छोड़ा है पंकज को शॉप पे कि भाई साहब आप देखो लैपटॉप ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। लंच वंच करवा दो यार, भूख लग रही है। लंच को छोड़ो आदित्य, इतना ज्यादा चलाक है ना कि इसने मतलब मौके का फायदा उठा के आगे वाली सीट मल ली हुई है। ये बात नहीं बतानी थी लोगों का, मुक्ति के दिमाग में घुस जाएगी। मेरे को पता है बढ़ाया, मैंने तेरे को एक तरीके से परमिशन दी है। मैं परमिशन हाँ, तो छलांग मार के आगे आ जाना। तो अभी गाड़ी और हमारे पेट दोनों को पूजा की जरूरत है भैया, पेट्रोल। तो मतलब गाड़ी की पेट पूजा करने के बाद अब बारी आ गई खुद की पेट पूजा करने की। मेरा मन कर रहा है खाने का बिरयानी, ओनली बिरयानी, नो प्लॉक बिरयानी। चल मेरे को बर्गर और पीने के लिए कुछ एप्पल पड़ा है, हाँ एप्पल। ड्राइव थ्रू को ले लेते हैं किसी और वहीं से ऑर्डर कर लेंगे, गाड़ी में खाना मिल जाएगा। यार भैया यहाँ पे अनफेयर गेम चल रही है पीछे, दीदी को निकालो इस गेम से बाहर, शीशे खोलो पहले। अच्छा गेम जो है थोड़ा फेयर तरीके से खेल। मैं नेचुरल प्रोसेस कैसे रोक। यार एक काम करते हैं हम तीनों मिलके ना दीदी को बाहर धक्का मार देते हैं। दीदी बाहर जाओ, मुक्ति ही है जिसकी वजह से हम तीनों तंग हो रहे हैं। सच्ची में भाई साहब मुक्ति हो गई है बिल्कुल, आउट ऑफ कंट्रोल। भाई साहब इसको रोको खिलानी पड़ेगी, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भाई साहब इतने ज्यादा परमाणु बम इस गाड़ी में फूट रहे हैं ना, सही बात है, जीना हराम कर दिया मुक्ति। खाना खाना है, मुक्ति ने इतने ज्यादा न्यूक्लियर बम फोड़ दिए ये अपना देश बना सकती है लग से। हिरोशिमा और नागासाकी में इतना ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हुआ जो इस गाड़ी में हो रहा है। ना कर प्लीज, आजल पीछे से दो मिनट बाद बोल देती। दीदी को बाहर धक्का मारो यार प्लीज। मुक्ति देख तो दिक्कत है ना तेरा पेट बहुत ज्यादा, जा उतर जा। क्यों तकलीफ दे रही है हमको और खुद को। एक और बार बोला ना तुमने, मैंने मुक्ति मिसाल छोड़ देनी है। ओ भाई साहब नहीं नहीं, रहने दो, पहले अपना लंच कर दे फिर सोचेंगे। तो जी बिरयानी खाने के लिए आ चुके हैं हम KFC, क्योंकि अभी रिसेंटली फूडी वी की वीडियो में यहाँ से मैंने बिरयानी खाई थी। वो बिरयानी बिल्कुल भी बिरयानी जैसी नहीं थी, वो ऐसा लग रहा था पुलाव के ऊपर चिकन डाल दिया हुए किसी ने। अब बोलो ड्राइव थ्रू में और कैसे बिरयानी मिल नहीं सकती है, तो नहीं कोई और तो जो KFC. है सो है। देखो मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने गधे को अपना पति बना लिया है। मुक्ति ना एक तो गद्दी गद्दी हवाएं छोड़ रही है और गद्दे गद्दे जोक मार रही है, ये चाहती है कि मेरी बातें और हवा से तो निकल जाओ बाहर। मैम एक बिरयानी कर दो चिकन मार के, पॉपकॉर्न वाली चिकन मार के, हाँ वो वाली, और एक चिकन मार के छोटा बर्गर कर दो। हमारी गाड़ी हमारे घर के साथ साथ अब मसाज पार्लर भी बन चुकी हुई है। मेरे ना एक्चुअली मेरे को हो गया थोड़ा सा कोल्ड। अच्छा, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे,
तो जिसने वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे वो अभी मसाज कर रहा है। मैं एक और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर। अरे यार सारों के मसाज जो काम ठीक हो जाएगा। तूने तो तूने शादा किया ना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बाढ़ में गया चैलेंज। तो महंगे लोगों अपना बताओ ऑर्डर क्या क्या पियोगे। मेरा हिबिस्कस एंड पैशन फ्रूट लेमनेड। एक हिबिस्कस टी, एक छोटा बटा लार्ज होता ऐसे बता ना, टॉल मीडियम वो बड्डी अंग्रेज बता दे, छोटा बड़ा लार्ज मीडियम। वो वाली कर दो। नेम तुसी लिख दो अपना, छोटी सी एच ओ टी आई छोटी, ए अपना ओदा वनीला का जेड़ा एस्प्रेसो है ओते लिखो गुल्लू, एंड अपना जेड़ा वो एक चीज हैगी है नेपोटिज्म, NEPO नेपोटिज्म, TISM। वेरी गुड भाई, मुंह छुपा ले मेरे बहन ने। आ चल, मैं नहीं पी रही। है बेचारी आए मेरी बहन को ऐसे तंग करते रहते हो, नेपोटिज्म वाली मैं पी लूंगी। मेरे उसके आप ही पैसे दोगे, मैं नहीं दे रही हूँ पैसे। तो ये खाना जो है वो मेरा आ चुका हुआ है, ये सारे मेरे ख्याल करेंगे डाइटिंग। ये तो वैसे बीमार लग रहा है न्यूक्लियर बम सूंघ सूंघ के। मैं तो भाई रेस्ट मोड पे चला गया हूँ। देखा दे, टेंशन मत ले, चैलेंज मैं जीत जाऊंगा, तू अगर ठीक नहीं है तो निकल सकता गाड़ी से। आप घर पे रेस्ट। मैंने लिए ना कॉफी, 300 रुपए कॉफी लिए। मेरा जुकाम आता था, कॉफी ने बिल ने ठीक कर दिया हुआ। आधा जुकाम या गर्मी ठीक कर देगी कॉफी। अभी हो चुका है शाम का टाइम और अभी हम जा रहे थे दशहरा देखने, और बट आवाजों से ऐसा लग रहा है कि मतलब हो चुका है, पटाखे पटाखों की आवाज आ रही है देखो, और इतना रश है ना रास्ते में, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि हम टाइम से पहुंच पाएंगे। बहुत ज्यादा भीड़ है भाई साहब, गाड़ी यू टर्न मार लेते हैं यहाँ से, आगे पूरा जाम लगा हुआ है। इस दशहरे पे रावण हमसे देखा नहीं जाएगा। आज के दिन हम सब ने अपनी बुराइयों को अपने अंदर से निकालना है। अच्छा। और अपने अंदर अच्छी चीजें डालनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा बुरी जो ये गाड़ी में बैठी हुई है वो बुराई फैला रही है, उसको निकालो यहाँ से। वो तो इंसान को निकाल लेनी, इंसान में से बुराई निकाल सकते हैं वो। छोड़ो, मुझे ना बस एक छोटी सी दिक्कत हो रही है। क्या? मुझे ना सुसु आ रहा है। वो तो आप गाड़ी में नहीं कर सकते। और एक ऊपर से तुमने एसी चलाया हुआ, वैसे मतलब सुसु का प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। यही तो ये चैलेंज है, दिस इज ऑल अबाउट। मैंने वो कोक जीरो जो खरीदी थी, मैंने कोक जीरो भी पी, पानी भी पिया, वो ना ज्यादा हो गया मामला सर। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कब तक तू वेट करेगी, निकल अब। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जीतेगा को क्या मिलेगा इनाम। देखो अभी अभी हमने निर्णय लिया है, इकट्ठे बैठ के डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम प्लान कर रहे हैं वो है सेइंग यस फॉर 24 आवर्स, और वो यस किसको बोलनी है, जो ये नहीं, जो हारेंगे वो बोलेंगे यस, उसको जो ये चैलेंज जीतेगा आज की वीडियो का। तो बेसिकली समझ लो, अगर मैं जो भी चीज बोलूंगी तुम्हें वो करनी होगी। यस, लाइक यू हैव टू से यस टू जो एवरीथिंग, टू एवरीथिंग। सेम वे, अगर आदित्य जो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा, मैं जीता तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन जीतता है चैलेंज, और अगली वीडियो में कौन बनता है मालिक और कौन बनते हैं उसके यस यस बोलने वाले नौकर। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो देख के आ रहा है मजा, तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अब, क्योंकि इस चैनल को हमने लेके जाना है 1 मिलियन तक। ऐसा ऐसा कंटेंट आपके लिए आता ही रहेगा, तो लाइक कमेंट एंड शेयर। तो जी, गाड़ी जो है ना वो मैंने खड़ा दी हुई है घर के बाहर। yes. और अब मैं मुक्ति को कहना चाहूंगा सिर्फ एक चीज, देख मुक्ति चलाक हो ना, जान के घर के चैलेंज से बढ़कर नहीं है गॉल ब्लैडर, मुझे तेरा ब्लैडर फाट जाएगा। सुसु नहीं भी आ रहा ना बंदे को, ये देख क्या, हाँ चलो सुसु जाएगा। ऐसे अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो मानता ही नहीं करना चाहिए, मुझे अगर आ रहा होता मैं निकल जाता। मैं पहले क्यों निकलूं आपको, क्योंकि तेरे को सुसु आ रही है और क्या है। वो गाड़ी में नहीं करने देंगे प्लीज। मैं तो आंचल की बॉटल है, सिप पर है, प्लीज नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो करने लगा तो मैं जा रही हूँ, मैं नहीं। आंचल चल जाएगी बॉटल ले ले। बोलो आई प्लेड वेल, यू प्लेड वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल, यू शट अप। और अगर लोगों को लग रहा है ना कि आदित्य गाड़ी से बाहर है, तो नहीं, वो गाड़ी के अंदर ही है। इस पे खड़ा हूँ मैं, जो कहते हैं
ये अंदर है गाड़ी के। बाय। I played well। मम्मा आप बताओ चैलेंज कौन जीतेगा? कुछ नहीं कह सकते, ये बड़ा मुश्किल है। अपने बेटे का साइड नहीं देगा ये? मैंने सोचा कोई तो मेरी साइड लेगा, मेरी बीवी मेरी साइड ले लेती। ये तो है। तो भाई मेरा खाना आ गया है। कैसा फील हो रहा है भाई? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है कि चैलेंज कौन जीतेगा? तो चारों बैठे, चारों नहीं एक आउट। दीदी बाहर निकल गई। क्यों? उसको सुसू आ रहा था तो वो निकल गई। सुसू भी निकलना नहीं, गाड़ी के अंदर ही बैठ गए। आज देर में छुट्टी होने वाली। मम्मी ने आंचल को वार्निंग दे दी हुई है ऑलरेडी। मेरा तो भाई डिनर मम्मी ने रेडी करके रखा था, तो मेरा पिक कर लिया मैंने। तो जी अपने खाने का भी हम ऑर्डर जो है गाड़ी में बैठे बैठे दे देंगे। ये कौन सा भैया? अब हम तीनों जाबाज योद्धा करने लगे अपना डिनर, और ऑलमोस्ट 12 घंटे होने वाले हमें, और बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा बुरी हालत। नींद आ रही है मुझे, सो जाऊं है ना, और गाड़ी में सोना मतलब थोड़ा सा अनइजी तो है, थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, और हो सकता है सुबह उठ के बहुत कुछ दर्द भी हो रहा हो हमारा। बिल्कुल। टाइम टू स्लीप, टाटा गुड नाइट। और सच्ची बोलूं नींद आ रही है बहुत ज्यादा, मेरे को बिना नेटफ्लिक्स देखे नींद नहीं आती। नेटफ्लिक्स भी देखना तुझे? शोर शराबा नहीं चाहिए मुझे। शोर शराबा कर दूंगा। वेरी अनकंफर्टेबल। मैंने सोचा था गाड़ी में लेटते सार बेहोशी आ जाएगी मुझे, बट नहीं। सोना कैसे इसमें? मैं तो कंफर्टेबल हूँ पीछे। छोटी सी है ना, नहीं ना, तो मैं पूरी फैल के सो सकती हूँ यहाँ पे। तो गाइस सुबह के हो रहे हैं 3:47 AM। मेरे को अभी तक 1-2 घंटे हार्डली नींद आई है, और हम 5 या 6 घंटे से लेटे हुए हैं, और ये दोनों इतनी गहरी नींद में है ना, मुझे नहीं पता कैसे सो रहे हैं। मेरे को कोल्ड भी हो गया है, मेरे से लेटा भी जा रहा है, मेरी गर्दन में भी दर्द है, और मुझे सुबह उठ के जिम भी जाना है। तो गार भाई, गार भाई, घर छोड़ाओ। तुम करते रहना आंचल, और तुम कंटिन्यू कर लो चैलेंज। जैसे सुनसान सा लग रहा है। सुनसान जी, सुबह के 4:45 हो रहे हैं। चश्मा तुम्हारा कहाँ रख दिया तुमने? ये पक्का वेट करना है। हाँ मेरे को नींद ही नहीं आ रही। मैं मन कर रहा तुझे बोल दूँ कि गाड़ी चला ले, पर उसके लिए मुझे गाड़ी से उतर के उधर आना पड़ेगा, वो मुझे करना नहीं है। मैं चला लेता हूँ। आदित्य गौतम जी ने मेरी नींद तो कर दी हुई है खराब, तो आंचल की नींद खराब ना होए ऐसा तो अच्छा लगेगा नहीं। ओ हेलो मुगी बच्ची, उड़ जा उड़ जा वे। उड़ जा। अर्ली मॉर्निंग राइज अर्ली वेक। क्या तेरा भाई हार गया? हार गए, तबीयत खराब हो जाएगी। बदतमीज देखी कि तूने मुझे जाने भी नहीं दिया। अच्छा पिल्लो भी इसे ले रही है। पहुंच रही तो दे मुझे घर। नहीं यार मेरे को तो जीतना है, मेरे को तो सोने दो। भगवान सेल्फिश। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक, मैं तो जा रहा हूँ, गुड नाइट, बाय बाय। आंचल आगे आ जा। तो गाइस अभी ना बज रहे हैं सुबह के 4, और आदित्य ने नींद खराब किया ना, उसकी वजह से टॉयलेट का जो प्रेशर है वो बन चुका है बहुत ही ज्यादा। तेरा भी तो नींद ही टूट चुकी है अब एक बार उठ के। तो हमारे पास ना ये ताश के पत्ते पड़े हैं, ये डिसाइड करेगा कि कौन विनर है, क्योंकि आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कोई टॉलरेट कर सकता है इस चीज को। हम ना पत्ते मतलब शफल करके चूज करेंगे, एक पत्ता, एक तेरा एक मेरा, जिसका पत्ता भी बड़ा हुआ वो विनर। अच्छा क्या बताया आप देखो मेरा है। क्या है? ओ भाई साहब आंचल का आया एस। चलो रेडी हो जा सब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस मेरे को इसी चीज का वेट था। आप आंचल को सजेस्ट भी कर सकते हो कि ये हमें क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, तो वो प्लीज कमेंट करके नीचे बताना। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर। और आंचल इस चैलेंज की है विनर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब से आंचल का नाम आंचल है, इसको मैंने वो एन लव्स वाला वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि आज की इसने विन जो है ना वो प्रूव करी है। तो आंचल के चैनल को भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, अभी रिसेंटली इसने मेरे साथ एक वीडियो बना के डाली थी, वो भी आप देख सकते हो। टाटा बाय बाय, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।